29 जुलाई को बॉलीवुड स्टार संजय दत्त का बर्थडे था और इस मौके को और खास बनाते हुए केजीएफ चैप्टर 2 से संजय दत्त के कैरेक्टर अधीरा का लुक रिलीज कर दिया गया था। पोस्टर शेयर करते हुए फिल्म के डायरेक्टर प्रशांत नील ने लिखा था, अधीरा इंस्पायर्ड बाय द ब्रूटल वेज ऑफ वाइकिंग्स। इसके बाद से पोस्टर को लेकर काफी ट्रोलिंग होनी शुरू हो गई। हालांकि ऑडियंस को अधीरा का लुक बहुत पसंद भी आया। बात करें संजय दत्त के लुक की तो हाँ, ये लुक बहुत हद तक नेटफ्लिक्स के वेब सीरीज वाइकिंग्स के लीड किरदार रैग्नार लोथब्रोक से मिलती जुलती है। ऐसा नहीं है कि लुक पूरी तरह से वाइकिंग से कॉपीड है, बट हाँ इंस्पायर्ड तो जरूर है। फिल्म के मेकर्स ने काफी काम भी किया है संजय दत्त के लुक पर। अगर आप अधीरा के फेस को ध्यान से देखोगे तो उनके फेस पर कुछ टैटू है। एक्चुअली उनके फेस पर संस्कृत में 3 चीजें लिखी हुई हैं। सबसे पहला है नाभि विमोक्षा, इंग्लिश में इसका मतलब है आई एम द सेंटर ऑफ मुक्ति, और हिंदी में मैं मुक्ति का केंद्र हूँ। दूसरी बात जो उनके फेस पर लिखी हुई है वो है ना दया कुर्थरापी, इंग्लिश में इसका मतलब है यू विल नेवर फाइंड काइंडनेस, यानी कि आपको कभी दया नहीं मिलेगी। तीसरी लिखी हुई चीज है युधा इवाम जगथा यताहा, इंग्लिश में इसका मतलब है वॉर इज द ओनली पाथ इन दिस वर्ल्ड, मतलब कि इस दुनिया में युद्ध ही एकमात्र रास्ता है। ओवरऑल लुक की बात करें तो लुक बहुत ही शानदार है और संजय दत्त पर काफी जज भी रहा है। ऑडियंस को काफी समय से अधीरा के लुक का इंतजार था और किसी ने ये उम्मीद भी नहीं की थी कि संजय दत्त का ये लुक किसी बॉलीवुड या हॉलीवुड के कैरेक्टर से इंस्पायर्ड या कॉपीड होगा, और शायद यही वजह है कि कुछ लोगों ने ट्रॉल करना शुरू कर दिया। हालांकि ऐसा पहली बार नहीं हुआ है जब किसी ने हॉलीवुड से कुछ कॉपी किया हो। इससे पहले भी कई बार म्यूजिक लुक्स कॉपी किए गए हैं, और कई बार तो पूरी की पूरी मूवी भी कॉपी कर ली जाती है, और वो भी बिना परमिशन लिए और बिना किसी तरह की क्रेडिट दिए। लेकिन यहाँ अच्छी बात यह है कि फिल्म के डायरेक्टर प्रशांत नील ने क्रेडिट भी दी है। हमें कई बार दूसरों की चीजें अच्छी लग जाती है और फिर वैसी ही चीजें हम अपने लिए खरीद लाते हैं। शायद इसी तरह प्रशांत नील को भी वाइकिंग्स भा गई होगी। आपको बताते चलें कि केजीएफ चैप्टर 1 एक सुपरहिट मूवी थी। फिल्म की बजट 50-80 करोड़ रुपए बताई गई थी और फिल्म ने अप्रोक्स 250 करोड़ रुपए की कमाई की थी। केजीएफ एक साउथ इंडियन फिल्म थी, लेकिन फिल्म पूरे देश में बहुत ज्यादा पसंद की गई थी। ऑडियंस की एक्साइटमेंट देखते हुए कहा जा रहा है कि केजीएफ चैप्टर 2 चैप्टर 1 से भी ज्यादा सक्सेसफुल साबित होगी। इनफैक्ट कुछ लोगों का तो ये भी कहना है कि ये फिल्म रजनीकांत की फिल्म 2.0 को टक्कर देगी। आपको क्या लगता है, क्या ये फिल्म सच में 2.0 को टक्कर दे पाएगी? आप अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। वैसे आपको बता दूं, केजीएफ चैप्टर 1 4th हाईएस्ट ग्रॉसिंग हिंदी डब्ड फिल्म है। केजीएफ चैप्टर 1 को हिंदी, मलयालम, तमिल और तेलुगु में रिलीज किया गया था। आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें।